हाँ प्रण भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये फजाइल अमल के बारे में एमपी लोग, तबलीगी लोग क्या चूरन दे रहे थे आपको? हाँ तो यूँ कहते हैं कि जो फजाइल अमाल है, तो जैसे मक्का के जो इमाम है वो, उन्होंने यूँ कहा कि अगर ये फजाइल अमाल हमारे इमाम, जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल या इमाम शाफी के नजदीक होती तो हम इसे हमारे सीने से लगा लेते। तो कौन सा मेरा इमाम, उनसे यही नाम नहीं सवाल, बताया उन्होंने? नहीं जैसे ये लोग कहते ना कि जैसे चार इमाम थे, तो चार में से जो मक्का मदीना के जो लोग हैं वो इमाम अहमद बिन हम्बल को मानते हैं, तो अगर वो उनकी लिखी हुई किताब होती तो हम उसे सीने से लगा लेते। नहीं नहीं तो उनकी लिखी होती लगाते, इनकी लिखी हो तो क्यों नहीं लगा रहे? अच्छा, तो वही तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने दिल में यह भी आया पहली कि यार बात, उनको, पहली बात तो फजाइल अमल अरबी में है नहीं, उर्दू में है, हाँ उर्दू में है तो वहां के इमामों को तो उर्दू आती नहीं। जी। इन्होंने पढ़ाई कैसे उनको? हाँ वही मेरे भी समझ नहीं आया। तो ये ऐसे चूरन देते हैं। इनके अनपढ़ आवाम को ऐसे चूरन देते हैं। इनको बताओ कि इनके वहां पर, इनके इनका एक कुरान का तर्जुमा था, कुराने करीम कर गया, आज से 25 साल पहले, 15-20 से 25 साल पहले सऊदी से छपता था, मेरे ख्याल से 90 से या 90 के पहले की बात होगी। एक तफसीर छपती थी, जब भी एहसानुल बयान आता ना, तो वैसे एक तफसीर इनकी छपती थी, कुराने करीम नाम था उसका। पहले जो हाजी लोग जाते थे ना, 70 से लेके 90 तक जो हाजी लोग गए होंगे अपने आगर में भी, तो उनके पास देखना, वहां से वो कुरान लेके आए होंगे, वो होगा उनके पास। तो उनसे पूछना कि ना फजाइल अमाल को सीने से लगाने की जो इमाम साहब बात करते हैं, तो कहना तुम्हारा ये कुरान करीम उन्होंने बंद क्यों कर दी? ये जो इनका जो कुरान था इसको बंद कर दिया कुरान बंद कर दी करीम को, सऊदी गवर्नमेंट ने, आज से 20 साल हो करीम गए। कहना ये कुरान करीम नाम क्या है? कुरान करीम। कहना ये तुम्हारा तो आता था हंतियों का, ये सऊदी गवर्नमेंट ने बंद क्यों की, क्या मसला था, और अहले हदीस का क्यों चालू किया एहसानुल बयान? जी फिर देखना उनकी सूरत, कहना फजाइल अमल के जो चूरन दे रहा, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। पहली बात से अरबी में है नहीं, तो वहां के आलिम पढ़ भी नहीं सकते, वहां के आलिम अगर इसको पढ़ लेते तो इन पर तो फौरन कुफ्र शिर्क के फतवे लगा देते, गुस्ताखियों के, जो इन्होंने चूरन उसमें फजाइल अमल में झूठे झूठे वाक्यात नकल किए, तो उनको तो मालूम भी नहीं इन्होंने क्या लिखा है, सही बात है। पहली चीज। और दूसरी चीज, जब उनको ये पता चली कि इन्होंने तर्जुमे तफसीर में उर्दू में जो घपले किए हैं, तो उन्होंने वहां पर इनके कुरान करीम को बैंड कर दिया, पूरी कंपनी बंद कर दी उसकी। मोहम्मद इब्ने वहाब के वक्त में जो हुआ था ये, उस वक्त में हुआ था ना? अरे अभी अभी 20 साल पहले। तो 20 साल पहले जी, कितने साल पहले? 20 साल। हाँ, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी उन जमाने के लोग सब आपके आगर में भी मौजूद होंगे, जहाज करने गए होंगे, उज्जैन इंदौर इस तरफ देखोगे तो सबके पास कुरान करीम जैसे एहसानुल बयान मोटा छोटा आता है ना, कुरान करीम थोड़ा चौड़ा और बड़ा आता था, तो मस्जिद में भी रखा होगा, मैं देखूंगा। हाँ, तो उसमें कम से कम 27 जगह, गालिबन 27 या 17 जगह, ऐसा कुछ मैं भूल रहा हूँ, इन्होंने ऐसी तफासीर किए जो उसमें शेर को बिदत थी बरेलवियों की तरफ। तो जब एहले हदीस उलमा ने सऊदी गवर्नमेंट को बात बताई, तो उन्होंने पूरा बैंड कर दी, कंपनी बंद कर दी, आग लगा दी कंपनी, और इनका कुरान बंद कर दिया। कहना तुम्हारा तो कुरान वहां बंद हो गया, फजाइल अमल को कहां से सीने से लगाने लगे? ये लोग क्या दलील, आप क्या बोलने का उनको? कहना ठीक है, अगर ऐसी बात है ना, तो कहना आप लोग फजाइल अमल को अरबी में क्यों नहीं करते ट्रांसलेट? हाँ करिए बिल्कुल, कहना अरबी में ट्रांसलेट कर दो उसको अरबी जबान में, ताकि मैं ले जाकर तोहफे के तौर पर मस्जिद हरम के इमाम को दू, पे तोहफे के तौर पर, और फिर देखता हूँ वो सीने से लगाते हैं या आपको घाड़ लगाते हैं। ये इनकी चालाकी है कि उसे अरबी में नहीं करते, क्योंकि अरब वाले पढ़ लेंगे ना, इनकी चोरी पकड़ी जाएगी ना, तो ये ऐसे चूरन देते हैं। पहले तो ये बोलते थे कि देखो सऊदी की जमात आई, सऊदी की जमात आई, है ना, जबकि हाँ। सऊदी में जमात पर बैंड है, अगर पता चल जाए ना सऊदी में कि तुम जमात वाले हो, तो तुम्हें हर मंडे के दिन पुलिस चौकी में हाजिरी होकर अपनी एक्टिविटी बताना है। मतलब वहाँ पे बहुत सीरियस है इस चीज को लेकर। अरे इनको तो अलाउड ही नहीं है बिल्कुल, ये सब झूठ बोलते थे आज तक, सऊदी की जमात है, सऊदी की जमात है, सऊदी में तो जमात बैंड है, मतलब पता चल गया तुम तबलीग की जमात वाले हो, तो हर मंडे के दिन तुम्हें चौकी में आकर अपनी रिपोर्टिंग करना है। हाँ कि तुमने अभी तक क्या किया यहाँ पे,
निगरानी मुजरिम बन जाता आदमी जमात में जाके मतलब वो उनका अकीदा ही गलत है ना। हाँ सब गलत है, तभी तो निगरानी मुजरिम किसको कहते हैं, उसकी हरकतें अमाल, उसकी एक्टिविटी, उसकी बोलचाल, हर चीज गलत है उसकी, और वो कुछ भी कितना फसाद बर्पा कर सकते हैं। क्योंकि ना यहाँ बैठ के इतना झूठ क्यों बोलते हो, और लेकिन सवाल ही क्या करना, कुरान करीम क्यों बंद हुआ बताओ। हाँ कुरान करीम की सही बात है, क्या ना, क्यों उन्होंने सीने से नहीं लगाया, जब कुरान करीम को सीने से लगा तो हमारे फजाइल अमल कैसे लगा लेंगे वो। और खुद तुमने नहीं सीने से लगाए फजाइल अमल, बल्कि क्या किए अपनी मस्जिदों में उन्होंने खुद फजाइल अमल बंद कर दिए उसकी जगह फजाइल सदकात ले आए। मुझसे लास्ट टाइम मेरी बात हुई तो मेरे कहते हैं कि जो सऊदी है ना, सऊदी में तो आजकल बहुत गलत हो रही है, मतलब उनका कहने का मसला है कि जैसे कुछ जगह पे लड़कियों को ड्राइविंग के अलाउ कर दिया। अरे भाई ठीक है ना, सऊदी में गलत हो रहा है तो हमको क्यों बोल रहे हैं, हमको क्यों बोल रहे हैं। पहली बात ये क्या बोलते हैं चालाकी मक्कारी से कि जैसे अपन को सऊदी का हवाला दो तो बोले वो तो हम्बली है, मुकल्लिद है ना। अब जैसे ही कोई गलत काम होता है तो उन्हें एलिजिस बना देते, बोले हमसे सवाल करते हैं, जब अच्छा होने लगता है तो हम्बली बन जाते हैं, बुरा होने लगता है तो एलिजिस बन जाते हैं। तो कहना भाई अगर उन्होंने बुरा किया तो वो भी तुम्हारी तरह मुकल्लिद है, हम्बली है, तो हमसे सवाल क्यों करो, तुम जवाब दो, तुम जवाब दो कि सऊदी में ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें चाचू मैं सुना हूँ तो आपको हाथी कर रहा है, वो ऐसी बातें नहीं, सब गप मारते हैं, बता तो रहा हूँ कि उनकी फिका को पढ़ते नहीं, उनकी फिका में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ये शियों की जबान चूस चूस के बोलते हैं, उनको शिया लोग लिटरेचर देते हैं। इनका कहीं भी कोई ये पढ़े लिखे नहीं होते, बस शिया लोग इनको सिखा देते हैं, वही ये कुकुर मुत्ते की तरह टर 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 करते रहते हैं। वरना से पूछो भाई जो बात तुम बोल रहे हो तुम्हारी फिका में किधर लिखी है बताओ मेरे को। सही बात है, जब तुम कहते हो मुकल लेते हैं उसी को मानते तो ला बताओ, तुम्हारे को हकीकत पता चल जाएगी। नहीं तो फिका की किताबें नहीं मिलती इनके पास, तो फिका दूर की बात है पढ़ना, हमारी में चलिए चलो। हाँ फिर मैं निकलना है, मैं इधर पोस्ट ऑफिस से बात करते हैं इंशाल्लाह। जी जी है ना, अस्सलाम वालेकुम।